બધા જય શ્રી કૃષ્ણ અને ગુડ મોર્નિંગ ઓર મેં આશા રખતી હું કે આપ સભી એકદમ મસ્ત સ્વસ્થ ઓર મજે મેં હોગે હમ ભી એકદમ મસ્ત સ્વસ્થ ઓર મજે મેં હૈ તો અભી યહાં પે હો રહા હૈ સુબહ કા ટાઈમ સુબહ કે 11:30 બજ રહે હૈ ઓર સુબહ કા સબ રૂટીન કામ હોય હૈ ના વો અભી મેરા ફિનિશ હુઆ હૈ ઓર આજ એસે સન્ડે હૈ તો સન્ડે કે દિન સુબહ કા કામ જીતના ભી ચાહે જલ્દી કર લે હમ लेकिन जल्दी हो नहीं पाता है। तो अभी देखो यहाँ पे बजे हुए हैं 11:30 और अभी ही मेरा काम जो है ना वो फिनिश हुआ है और अभी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा उसको उनको ऐसे साइकिल जो यहाँ पे पड़ी रहती है ना वो लेके नीचे गार्डन में उसको खेलने के लिए लेके गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ और उसका कोई अच्छा सा सॉल्यूशन आपके पास हो ना तो आप भी मुझे बताना। तो पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ वो देख लो। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ना ये मेरा फ्रिज है, छोटा मीडियम साइज़ का जो फ्रिज आता है वो है। और ये फ्रिज में मुझे ये दिक्कत 2 या 3 महीने में होती है कि मेरा फ्रिज ऐसा है कि उसके अंदर जो चिलर होता है बर्फ़ बनता है उधर ना बर्फ़ जब भी ज़्यादा बन जाता है ना तो उसमें एक स्विच है तो उसको मुझे प्रेस करना पड़ता है तो वो दबाती हूँ ना तो उसमें से जो अंदर सभी जगह बर्फ़ जमा हुआ होता है ना वो सभी बर्फ़ ऐसे मेल्ट होके पीछे की साइड जो डिब्बा है ना फ्रिज के नीचे उधर आता है। वो आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे नीचे की साइड ऐसे जो पानी है ना उसमें से निकल के यहाँ नीचे की साइड आपको दिखाई देता है वाइट कलर का, ये ऐसे बॉक्स जैसा है तो उसमें पानी जमा होता है। और जब भी 2 या 2.5 महीने बर्फ़ ज़्यादा जमा हो जाता है ना तो मैं वो बटन दबाती हूँ और उसका पानी इसके पीछे जमा हो जाता है। और कभी कभी तो इतना पानी जमा हो जाता है कि उसमें से बाहर होके निकल आता है। तो जब भी ये करती हूँ ना तो 2-2.5 महीने के बाद ये फ्रिज को पूरा हटाना पड़ता है और उसको क्लीन करना पड़ता है। तो ये काम मुझे थोड़ा दिक्कत भरा हुआ लगता है। तो अभी यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है कि एक ऐसे पाइप लेके आए हैं, एक पाइप का एक जो कोना है वो उसके अंदर डाला है और दूसरा इधर ऐसे जो डोल है ना उसके अंदर डाला है। तो सुबह उन्होंने ऐसे किया तो अभी इतना पानी जो है ना इसमें से निकला हुआ है और ये पानी अपने आप नहीं आया, उन्होंने एक बार ऐसे पाइप में से बाहर प्रेशर लगा के खींचा है। तो ये चीज़ जो है ना मुझे तो नहीं अच्छी लगती और आपके पास कोई अच्छा सा सॉल्यूशन हो तो वो मुझे भी बताना। और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जो है ना वो उन्होंने सुबह ये जो लगा रहे थे तब मेरे हस्बैंड जो है ना वो बोल रहे थे कि इतनी बड़ी कंपनी है तो इन्हों ये कंपनी वाले को ये बॉक्स जो है ना उसके नीचे एक छोटा सा नल, जैसे हमारे मटके में ऐसे कैसे नीचे की साइड नल होता है तो नल से हम पानी जो है भर सकते हैं, तो इन लोगों को ये बॉक्स के नीचे एक नल दे देना चाहिए कि ताकि जब भी वो ऐसे हम बटन प्रेस करें बर्फ़ ज़्यादा जम गया हो उसका तो हमें पता ही है कि इसमें पानी आने वाला है तो तब भी वो नल चालू करके उसमें ऐसे कोई पानी का जो पाइप हम लगाते हैं इसके नीचे ऐसे पाइप लगा के ईजीली ऐसे पानी जो है हम निकाल सकते हैं। तो वो बोल रहे थे कि ऐसे एक नल दे देना चाहिए तो मैंने बोला आप लोग आप जाके कंपनी वालों को बताओ कि ऐसा कुछ इसका सॉल्यूशन जो है वो निकालो। तो अभी ये जो है ना वो मुझे तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि 2-2.5 महीने होते हैं ना तो उसके बाद फ्रिज को पूरा ऐसे घुमा के उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है और क्लीन नहीं करते हैं ना तो इसके अंदर ऐसे मच्छर के जो छोटे छोटे अंडे होते हैं ना वो मच्छर डाल देता है। तो इसमें मैं तो ऐसे देखे ना तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो डाल के रखती हूँ ताकि जब भी शायद हम कभी भूल जाते हैं या ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसमें मच्छर जो है ना वो तो अंडे नहीं देते। तो इसमें मैं नीचे की साइड थोड़ा सा ऑयल जो है ना इसके अंदर फ्रिज में पीछे की साइड डाल के रखती हूँ। क्या है मेरा फ्रिज छोटा वाला जो आता है ना वो ही है। अभी यहाँ पे मैं किचन में बना रही हूँ खाना और यहाँ पे आगे इनको मैंने बिठाया है इधर। ये क्या खजूर पाक बनाना है ना तो इसमें ये टोपरा बोलते हैं हम लोग कोकोनट, ड्राई कोकोनट, इसको कद्दूकस करना बाकी है तो इनको मैंने कद्दूकस करने के लिए इधर बिठाया है। खजूर पाक खाना है तो कद्दूकस तो करना ही पड़ेगा, कद्दूकस करना पड़ेगा। तो खजूर पाक खाना है तो ड्राई कोकोनट तो कद्दूकस करना ही पड़ेगा, खाने में सभी को अच्छा लगता है।
तो अभी इनको यहाँ पे ड्राई कोकोनट जो है ना वो कद्दूकस करने के लिए बिठाया है। तो यहाँ पे देखो इतना जो है ना कद्दूकस किया है, तो अभी ये यहाँ पे कोकोनट क्रश कर रहे हैं और मैं है ना दोपहर का खाना बनाऊंगी और उसके बाद खाना खाने के बाद मुझे बनाना है खजूर पाक। पे इतना जो है ना नारियल का बूरा इन्होंने कर दिया है, तो इसको मिक्सी जार में डाल के थोड़ा मैं पीस लूँगी ताकि ये जो है ना थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा। और खाने में आज बनाया है फूल गोभी, आलू, टमाटर की सब्जी, यहाँ पे है रोटी और गुड़ और घी। तो दोपहर का खाना हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद बर्तन साफ करने के बाद खजूर पाक जो है ना वो मुझे बनाना है। और खाना खाने के बाद बर्तन क्लीन करने के बाद अभी यहाँ पे जो मैंने कोकोनट कद्दूकस करके रखा था ना उसको यहाँ पे मिक्सी जार में डाल के छोटा छोटा ऐसे कर लिया है। मिक्सी में पीस लेंगे ना तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और खजूर पाक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 kg जितना खजूर सॉफ्ट वाला जो आता है वो लिया है, 2 ऐसे पार्ले मेरी के बिस्किट के पैकेट लिए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा काजू बादाम के टुकड़े जो है ना वो भी मैंने पीस करके ले लिए हैं। और अभी सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच जितना घी जो है वो डाल दिया है। और घी डालने के बाद अभी ये खजूर जो है ना मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने जो खजूर लिया है ना वो सॉफ्ट वाला जो खजूर आता है वो है। तो अभी खजूर जो है ना वो मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ और इसको यहाँ पे घी के साथ थोड़ी देर के लिए सेक लूँगी। तो खजूर पाक बनाने के लिए एक स्पेशल टिप्स है जो वो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी ऐसे खजूर पाक बनाते हैं ना हम, तो ऐसे इसको चम्मच की सहायता से मिक्स करने में थोड़ा पहले ऐसे बहुत अच्छे से हम मिक्स नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जब भी खजूर पाक बनाते हैं ना तो ऐसे हमारे घर में जो पानी पीने का लोटा होता है उसको लेके इसकी सहायता से ऐसे खजूर को हम ऊपर से प्रेस करके दबाएंगे तो खजूर जो है वो अच्छे से ऐसे मिक्स भी हो जाएगा और अच्छे से ऐसे सॉफ्ट खजूर होगा तो अच्छे से ऐसे मिक्स हो जाएगा और खजूर एकदम अच्छे से घी के साथ सिक भी जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लोटे से खजूर को हम अच्छे से मिक्स कर सकेंगे। अभी यहाँ पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम गैस की आंच पे इसको ऐसे सेका तो ये अच्छे से ऐसे हम जैसे आटा गूंथते हैं ना ऐसे आटे की तरह ऐसे मिक्स हो गया। तो अभी खजूर जो है ना अच्छे से सिक चुका है। अब इसमें मैंने काजू बादाम जो पीस के रखे हैं ना वो भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। और इसके बाद अभी यहाँ पे मैंने ऐसे बिस्किट का पैकेट लिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 बिस्किट ले लिया है और उसके ऊपर यहाँ पे खजूर जो हमने सेक के रखा है ना उसको बिस्किट के ऊपर ऐसे फैला देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सभी बिस्किट के ऊपर ऐसे खजूर का जो सेक के रखा है ना हमें उसको ऐसे फैला देंगे। और ऐसे नहीं फैलाना तो 2 बिस्किट के बीच में ऐसे खजूर का मिश्रण डाल के ऐसे इसको प्रेस लगा के ऐसे भी हम ऐसे फैला सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सभी बिस्किट में मैंने ऊपर की तरफ ऐसे खजूर का मिश्रण जो है ना वो फैला दिया है। और इसके बाद अभी मैं ऐसे देखे ना तो 2 लेयर में भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं इधर यहाँ पे 3 बिस्किट का ऐसे लेयर बनाते हैं ना उसमें बना रही हूँ। तो ऐसे 3 बिस्किट मैंने ले लिया और उसके बाद इसके आसपास ऐसे खजूर का जो मिश्रण बनाया है ना सेक के वो फैला दूंगी और उसके बाद आगे और पीछे ऐसे चारों तरफ से खजूर से उसको कवर कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो है ना मैंने कवर कर लिया है और अब इसको ऐसे जो कोकोनट मैंने पीस के रखा है ना उसके आसपास ऐसे उसको ऐसे फैला दूंगी कोकोनट के साथ इसको, तो इसके ऊपर कोकोनट जो है वो चिपक जाएगा। सभी
सभी को उसके बाद ऐसे चार पीस में कट करके मैं डिब्बे में भर के रख दूंगी। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे अंदर से दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे खजूर पाक जो है ना वो रेडी हो चुका है, तो अभी इनको टेस्ट करवाती हूँ कैसा लगता है। और बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कभी नहीं बनाते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। टेस्ट करो चलो कैसा लगता है। और ये खजूर पाक बनाने में इन्होंने भी मुझे थोड़ी सी हेल्प करवाई है, तो तभी मैं इतना सारा जो है वो बना सकी हूँ। तो बिस्किट वाला खजूर पाक आप लोग नहीं बनाते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे मैं जो है ना मैं भी टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो अंदर से क्रंची रहता है खाने में और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज के ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।